नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। पहली जो खबर है बहुत ही दुखद खबर है। गांव मढ़ना का से विजेंदर, जो एक कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, डेंगू के चलते हुए उनकी मौत हो गई है। पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। अगली खबर हतीन से है। हतीन अनाज मंडी में धान और बाजरे की आवक शुरू हो गई है। गेट पास कटने के बाद ही ट्रैक्टर ट्रॉली को मंडी में प्रवेश दिया जाएगा। अगली खबर हतीन के गांव से है। हतीन के गांव में बुखार ने अपने पैर पसार दिए हैं। मड़ोखड़ा गांव में बुखार से एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। वहीं पर सापन की गांव में बुखार के 28 नए मरीज मिले। खबर पलवल से है। पलवल वार्ड नंबर 4 में चल रहे निर्माण कार्य में किया जा रहा है घटिया सामग्री का इस्तेमाल। स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप। विषयपाल ने बताया कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर और ये सामग्री ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। अगली जो खबर है पलवल के बढ़ा गांव से है। बढ़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर महिला पर किया जानलेवा हमला। जानकारी देते हुए घायल महिला ने बताया कि उन्होंने एक जमीन दूसरे व्यक्ति से खरीदी थी। उसका देवर उस जमीन को लेकर लगातार विवाद कर रहा था, जिससे जमीन खरीदी थी वह महिला पर जानलेवा हमला किया, जिससे महिला नागरिक अस्पताल में भर्ती करा गया। उनको काफ़ी चोट आई है। बहीन के कोट गांव में जमीनी विवाद के चलते महिला के कानों की बाली लूटी गई। जानकारी देते हुए अफसाना ने बताया कि 4 लोगों ने मारपीट की है और कान की बाली लूट कर फरार हो गए हैं और कान पर काफ़ी गंभीर चोट आई है। अगली जो खबर है पलवल के फिरोजपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते परिवार में हुआ झगड़ा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया जानलेवा हमला। जानकारी देते हुए घायल पक्ष ने बताया कि एक सामूहिक जमीन थी जिसमें मंदिर बनाया था, जिसमें भंडारा का आयोजन किया गया था। आरोपी पक्ष ने आकर हमला कर दिया और जिसमें एक महिला भी शामिल है। इन 4 लोगों को चोट आई है, फिर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलवल के हुड्डा चौक के पास स्विफ्ट कार ने ऑटो में मारी टक्कर। 7 महिला घायल, सभी को उपचार हेतु पलवल के नागरिक अस्पताल में किया गया भर्ती। जानकारी दी गई है कि ये 7 महिलाएं एक कंपनी में नौकरी के लिए जा रही थी। 7 महिलाओं को स्विफ्ट वाले ने ऑटो में टक्कर मार दी। 7 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उनका बयान भी दर्ज कर लिया है। पलवल के गांव सिहौल में एक सनसनी केस सामने आया है। गांव सिहौल में दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर ससुराल पक्ष ने फांसी पर लटका कर एक महिला की हत्या कर दी है। पुलिस ने किया मामला दर्ज। मृतक के पिता की शिकायत पर चांदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सूचना पाकर परिवार वाले उनके घर पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बेटी के शरीर पर कई प्रकार के निशान बने हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सभी इसी प्रकार अपना सहयोग, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।